फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दो कुख्यात अपराधी जो पिछले 14 जनवरी को माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 90,000 रुपया और एक टैब लूट की घटना को अंजाम दिया था, पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भारत फाइनेंस कंपनी के कागजात के साथ साथ एक पिस्टल, 4 गोली और 2 मैगजीन भी पुलिस ने जब्त किया है। कई मामलों में संलिप्त दो कुख्यात अपराधी चंदन कुमार और सत्येंद्र राम कल शाम 7 बजे पुलिस के हत्थे चढ़ा। इनमें से सत्येंद्र राम का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। इन मामलों में संलिप्त दो अन्य अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मोतिहारी SP नवीन चंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इसमें 14 जनवरी को एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लूट की घटना हुई थी, जिसमें 90,000 रुपये और एक टैब लूटा गया था। उसी में चंदन कुमार और सत्येंद्र राम को कल शाम 7 बजे अरेस्ट किया गया है। इनके पास से एक पिस्टल, 4 गोली और 2 मैगजीन बरामद हुआ है। भारत फाइनेंस कंपनी के जो कागजात लूटे गए थे वो भी बरामद हुए इन्हीं की निशानदेही पे। सत्येंद्र राम जो अभी पकड़ी दयाल में सिकराना के घोड़ा सहन में भी एक स्कॉर्पियो लूट हुई थी 21 जनवरी को, उसमें भी ये शामिल था। सत्येंद्र राम का आपराधिक इतिहास है और इस ये एक हत्या का केस जो कि पकड़ी दयाल में 2016 में हुआ था, 151-16 उसमें भी शामिल था। इसके अलावा पकड़ी दयाल थाना में 36,000 रुपये और मोबाइल लूट हुआ था 24 दिसंबर को, उसमें भी ये शामिल था। इसके अलावा दो अन्य अपराधी भी शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है।